कि मैंने ख्वाब में भी ना सर, जब सो रहे हूँ तो यही लग रहा होता है कि जैसे हम कोई लाइव डिबेट कर रहे हैं। बीवी हिला हिला के बोलती है, भाई अब सो रहे हो तुम। आप देखिए, आप कहते हैं ना भाई, तो 1-1.5 महीना हो गया मुझे काम करते हुए, रिजल्ट क्या है? अब आप देखें कि अगर आप गौर करें या आपके देखने वाले लोग करें या दुनिया के तमाम लोग गौर करें कि जब से इस केस में लीगल कार्रवाई शुरू हुई है, तो उसमें कितने, अगर गौर से समझा जाए, देखा जाए, तो कितने बड़े बड़े रिजल्ट सामने आ रहे हैं। नंबर 1, तो जो गुलाम हैदर के साले हैं, समझ गए जी ना, जी 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 जो हम गुलाम हैदर के मुंह बोले साले, समझ जी 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 गए ना, तो समझ जो गया सर। गुलाम हैदर के मुंह बोले साले हैं, उनकी इलीगल सारी स्टेटमेंट आनी बंद होगी। बिल्कुल सही बात है, वो तो अब नजर नहीं ये आते सर। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि उनकी स्टेटमेंट के साथ साथ उनके जो रिपीटेडली वो विजिट करते थे रघुपुरा में, गुलाम हैदर की लीगल वेडेड वाइफ के पास, जो गुलाम हैदर के साले विजिट करते थे, वो विजिट खत्म हो गई, क्योंकि क्योंकि जीजा जी को जो उनको जो बहनोई साहब को जीजा जी को पसंद नहीं था, तो उनका वहां आना, तो वो विजिट खत्म हो गई। अब होगी ना, जी दो दो जब दो दो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गए। जी तीसरी बात, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो जो स्लो चाल चल रही थी, वो एक्टिव मोड में हो गई है। अब जी चौथी बात, जो बड़े चैनल्स वन साइडेड एस्पेक्ट को पूरी दुनिया के सामने रख रहे थे, जो सीमा अगर बोल देती थी वही उसको दिखा देते थे, वही उसी कंसेप्ट को दिखा देते थे, और लोग वही कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लेते थे कि भाई जो इसने कहा ऐसा ही होगा। जी वो चीज बंद हो गई है। अब चौथी बात, जो लोग सचिन मीना कहते थे, वो मैंने मीडिया वालों को भी लीगल थ्रेट कर दिया था कि अगर किसी मीडिया वाले ने इसको सीमा की, सचिन की वाइफ लिखा, तो मैं उसके खिलाफ भी कंटेंट फाइल करूंगा, उसके खिलाफ भी जो है ना मैं लीगल नोटिस दूंगा। अब कोई भी चैनल ये नहीं कह रहा कि ये सचिन की वाइफ है। बिल्कुल सही बात। अब छठी बात, अब सारे चैनल ये कहते हैं कि जी इसका गुलाम हैदर से कोई लीगली तलाक नहीं हुआ, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में। नंबर 6, नंबर 7 के, अब सीमा हैदर को रात को नींद आनी बंद हो गई है, वो लगातार डॉक्टर के जाती है, कल परसों भी लगातार सुना है कि वो डॉक्टर के गई है। नंबर 8 के, क्या सब कहां चले गए? जी जी सर सुन रहे, सर वो सुन रहे। नंबर 8, क्या साहब, जी जी सर मैं सुन जो गुलाम हैदर बोलना चाहता है, जो गुलाम हैदर की सच्चाई है, जो रहा गुलाम हैदर के साथ जुल्म हुआ है, और जो गुलाम हैदर के साथ एक धोखा हुआ है, अब हम गुलाम हैदर की बात को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, और पूरी दुनिया के लोग ये इंतजार करते हैं कि कब रामे साहब ऑनलाइन आके कुछ बताएंगे कानूनी रूप से, कब साहिद भाई आके कोई बात बताएंगे, और कब मोमिन मलिक के कोई ऑफिशियल बयान जारी होगा। अब पहले बिल्कुल लोग उसका इंतजार करते थे, अब लोग गुलाम हैदर की बात का इंतजार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे नंबर 9, भारत के लोगों में, पाकिस्तान के लोगों में, दुनिया के सभी लोगों में एक उम्मीद जगी है कि एक बाप को उसके बच्चों का हक मिलेगा। बिल्कुल। और नंबर 10, कोई इंसान भारत में उस मजबूर बाप के लिए मजबूती से खड़ा हुआ है,
जो ना तो आज तक चवन्नी गुलाम हैदर से ली और ना किसी से मांग रहा, वो अपनी जेब से ही खर्च करके इंसानियत के नाते बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी के दबाव बनाए, कानूनी रूप से इंसानियत के नाते वो एक अच्छा कोज, सोशल कोज, ह्यूमैनिटी का कोज समझ के उस कोज को दिल से उसको कर रहा है। तो कितने बड़े, ये 10 बातें तो आपके सामने हैं। बिल्कुल जी ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सर, यही तो बात है सर कि हम अब केस का पांसा ही पलट गया, इस केस का पांसा ही पलट गया। और बतौर लीगल एक्सपर्ट जब हम इसको देखते हैं तो हमें इस बात का यकीन हो गया कि इसमें जेल जरूर होगी, लेकिन क्योंकि जुडिशियल मैटर है इसमें थोड़ा बहुत डिले तो फिर होता ही है। और वो भी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी, अगर ये काम जो मोमिन मलिक साहब कर रहे हैं ये अगर इस स्पीड से ना किया जाता तो शायद इसमें तो महीने लग जाते हैं भाई, 4 शीट फाइल करवाने में बड़ा टाइम लग जाता है। और ये तो अभी पुलिस की रिपोर्ट भी आ गई है। जी, और 11वीं बात मैं और बता देता हूं कि जो हमने लीगल नोटिस दिया था 5 करोड़ का, 3 करोड़ का और 3 करोड़ का, अब गुलाम हैदर के जो मुंह बोले साले हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि एक एक रुपया अगर भारत की जनता से इकट्ठा करा जाएगा तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए, यानी एक एक रुपया आप लोगों से कर्ज लोगे या फिर आप भीख मांगोगे या रिक्वेस्ट करोगे या उधार लोगे, क्या करोगे उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन वो मजबूर हो गया भारत की जनता से एक एक रुपया लेने के लिए। तो सर एक एक मोमेंट साहब, इससे बड़ी कामयाबी क्या चाहिए कि मोमेंट साहब, एक इंसान को आपने भारत की जनता के सामने हाथ फैलाने पर, पसारने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही बात है सर, तो मोमेंट इससे साहब बड़ी सर, मैं कार्रवाई, इससे बड़ी कार्रवाई मैं क्या कर सकता हूं, कोई समझे तो। वो वीडियो मैंने भी देखा है जिसमें वो मीडिया पर्सन उससे पूछता है कि वो नोटिस आया, आप उस नोटिस के जवाब में क्या कहेंगे, तो कहते हैं कोई बात नहीं, नोटिस आया तो सीमा के इतने फॉलोअर हैं, 1 करोड़ 40 लाख के, 1 40 वो अवाम है, तो वो 40 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, तो वो सारे एक एक रुपया देंगे तो हम दे देंगे नोटिस। अब ये भी बता, अब मुझे ये भी बता दें कि हमने तो सिर्फ डैमेजेस के तौर पे 5 करोड़, 3 करोड़ और 3 करोड़, टोटल जो है 11 करोड़ रुपए, जो रेपुटेशन को जो खत्म किया है वो डैमेजेस के रूप में हमने मांगा है, कंपेंसेशन के रूप में, डैमेजेस के रूप में आप हमें दोगे 11 करोड़ और भारत की जनता से लोगे 1 करोड़, 1 अरब 40 करोड़, तो इसका मतलब आपकी नीयत देखो कहाँ चल रही है, बाकी कहाँ ले जाओगे। सर वो तो शुरू में जब इनका YouTube चैनल खुलवाया था आपको याद होगा, वहां पर उन्होंने एक बैंक अकाउंट दिया था कि सारे भारतीय अवाम, भारत में रहने वाले या दुनिया भर में रहने वाले लोग इनकी मदद करें, तो वो पैसा जो अकाउंट नंबर था वो मेरे ख्याल में इनका अपना जाती अकाउंट था, वो पैसा कहाँ गया, और क्या इसी चक्कर में इस सारे केस को फॉलो कर रहे हैं इनकम टैक्स, इन्होंने? इन्होंने गुलाम हैदर के जो मुंह बोले साले हैं, इन्होंने एक बैंक अकाउंट दिया था शुरू में जब इनका यूट्यूब चैनल ओपन करवाया था, उस वक्त इन्होंने कहा था कि इन लोगों की मदद करें, लोगों से अपील की थी, तो वो भीख का पैसा जो है वो उनके अकाउंट में, जाती अकाउंट में जाता है, और उसके बाद यूट्यूब की इनकम जो है शायद इनके घर चल रहे हैं। आप मुझे उस वो जो आप कह रहे हैं उसका लिंक मुझे भेजना, मैं इंडियन इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट और इंडियन के जो इदारे हैं जो इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट को देखते हैं वो सारे इनके पीछे लगा दूंगा, उस अकाउंट के पीछे। आप मेरे को लिंक भेजो। जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हम खुद भी उसको सर्च करके, हमने चूंकि लाइव देखा था, और वो भी हम भी खुद कोशिश करेंगे कि आपको लिंक भेजें जिसमें इन्होंने अकाउंट नंबर दिया था कि पूरे लोग जो है पैसा दें, क्योंकि आपको पता है कि शुरू से लेकर अब तक जो है वो पीली टोपी पहन के, गले में पीला और खुद कुछ हार वार गले में डाल के पहुंच जाते, पता नहीं कौन सा तीर मारा है उन्होंने। तो बहरहाल वो लिंक इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की थी कि इनकी मदद करें, तो इसी वजह से लगता है कि वकालत उनकी अब तेल लेने गई है और भीख पे लग गए अब तो। सर वकालत में तो बिल्कुल फार्म चलो हम तो ये कहते हैं कि तुम अब भी सुधर जाओ, वक्त है। नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि एक वकील साथी होने के नाते हम ये कहते हैं कि चलो इंसान से, मैं पर्सनली मोमिन मलिक के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में,
एक भाईचारे के रूप में दोबारा जो है उनको ये एडवाइस करता हूँ कि एक वकील होने के नाते, एक इंडियन वकील होने के नाते, आपने जो पिछले टाइम में गलती कर ली सो कर ली, उन गलतियों से आप अपने आप को सुधार करिए। और जीवन का इंसान का कुछ नहीं पता कब इंसान का कब क्या हो जाए, आप जो है सुधार करिए और सुधार करके अच्छाई की तरफ चलिए, और जो गलत स्टेप आपने लिए हैं उन पे माफी मांगिए, और अब भी वक्त है सर। देखें यहां से हम लोग जितनी भी बात करते हैं सर, जी जी सर, समय जो है बड़ी जल्दी निकल जाता है, समय का कुछ नहीं पता, तो आप जो है अब भी वक्त है, सुधार सकते हैं, भूल हो सकती है, किसी भी इंसान से हो सकती है, तो हम तो कहते हैं अब भी वक्त है, आप सुधार लीजिए अपने आप को। सर यहां से गुलाम हैदर से लेके आपने जिस जैसे भी देखा, वो तो उसकी तमन्ना ये है, ख्वाहिश ये है, बल्कि उनको उम्मीद लगी हुई है कि अगर गुलाम हैदर के साथ उसकी बीवी ने धोखा किया, फ्रॉड किया, ज्यादती की, बड़ा जुल्म किया जो आज तक रो रहा है, लेकिन अगर इंसाफ देगी तो इंडियन अवाम देगी, इंडियन कानून देगा, इंडियन अदालतें देगी, इंडियन सिस्टम देगा। लेकिन अगर एक आदमी भटका होगा और आज तक सबको भटकाया जा रहा है, सर उसको भी अकल आ जानी चाहिए कि देखें जुल्म कर लिया, लेकिन अगर किसी की दुश्मनी में, किसी की अनाद में, किसी के साथ अगर इतनी आप बोझ रखते हैं, उस बोझ में अगर इस हद तक चले गए तो खुदारा वापस आ जाए। ये चीजें दुनिया में आने जाने वाली चीजें सर, सब खत्म हो जाती है। देखिए भारत की जनसंख्या, भारत की जनता, खासकर हमारी भारत की बहनें, माए, बेटियां, जिनसे गुलाम हैदर बार बार रिक्वेस्ट करता है कि भारत की बहनें, माए, बेटियां, भारत की तमाम महिलाएं, बहनें, बेटियां, चाहे वो किसी धर्म की है, किसी मजहब की है, किसी भी रिलीजन की है, वो सब गुलाम हैदर के को सपोर्ट कर रही है, और वो सब चाहती है उसके बच्चे उसको मिलना चाहिए, और वो सीमा का पुरजोर विरोध भारत में कर रही है। ये आप देखते भी होंगे और मैं भी देखता हूँ। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात। शायद भाई मैं भी इजाजत, जी जी हाँ बिल्कुल सर, आपका भी बहुत टाइम ले लिया मैंने, मोमेंट साहब का भी बहुत टाइम ले लिया सर, असल में बेचैनी सी रहती है, इसलिए हम आपको बार बार जहमत देते हैं, और आपका हम दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप टाइम भी देते हैं और आके पूरी डिटेल के साथ लोगों को बताते हैं, और इंशाल्लाह जो भी पेशरफ्त होती है आप बताते रहते हैं, उसका हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत तफसील से मोमेंट सर ने आज चीजों को एक्सप्लेन किया, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये कोई तारीफ की बात नहीं है, बल्कि ये बड़ा मुश्किल काम है शायद भाई, अगर आप फील्ड में जाके देखें, एक एक डॉक्यूमेंट को इकट्ठे करना, फिर उसको पढ़ना, फिर उसके ऊपर सर्च करना और चीजों को लेना, ये बड़ा मुश्किल काम है, और आए दिन नई से नई चीज सामने आ रही है। देखिए मैं अकेला तो वकील लगा हुआ हूँ लीगल कार्रवाई में, बिल्कुल सर, आप देखिए मुझे देश की 1.5 करोड़ जनता को यहाँ भी जवाब देना है, आपके मुल्क के लोग भी देखते हैं उनको भी जवाब देना है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं उनको भी जवाब देना है, बिल्कुल। और मुझे हांगकांग से एक बुजुर्ग महिला का वीडियो बना हुआ आया, वो बुजुर्ग महिला बीमार है, रो रही है, और वो बुजुर्ग महिला कहती है कि बेटा मैं आपका वीडियो देखती हूँ और मैं चाहती हूँ, मैं हांगकांग में रहती हूँ, अकेली महिला हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इस प्रॉपर्टी का क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से जितना पैसा कहे मैं भेजने के लिए तैयार हूँ, बट आप गुलाम के बच्चों को गुलाम तक मिलवा दें, मैं चाहती हूँ कि भाई वो करीब 70-80 साल की बुजुर्ग है, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो नेक काम, मैंने कहा माता जी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा ऊपर वाले ने मुझे बहुत दे रखा है, मुझे कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कमी मुझे ऊपर वाले ने नहीं दे रखी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इंसानियत पहले है, और वो बड़ी खुश हुई, कह रहा बेटा इस नए काम में मैं फीस के तौर पे नहीं बल्कि इस नए काम में मेरा साझा हो जाए, इस नए काम में मेरे भी हाथ लग जाए और मेरा भी जीवन सफल हो जाए, आप मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पैसे भेजूं जितने लाख जो कहते हो आप, मैं वो भेजने के लिए तैयार हूँ, वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आप चैनल पे चलाना, कि वो मैं अपने अपने जो पीए को भी बोलूंगा कि वो ऑफिशियल चैनल से चलाए उसको, आपको भी भेजूंगा, तो ऐसे ऐसे लोगों की दुआएं लगी हुई है, तो ऐसे लोगों की दुआएं रामी साहब, शायद भाई ऐसे लोगों की दुआएं खाली नहीं जाएंगी, बिल्कुल इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। मैं तो अक्सर ये मैं मजबूर हो गया, उस मैं कोर्ट में था तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला का SMS है, बुजुर्ग महिला कुछ कहना चाह रही है, तो मैं फौरन कोर्ट से निकला, मैंने डाउनलोड करके
उसको क्लिक किया तो डाउनलोड होके मैं उसको सुना, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए सर। कि ऐसी बुजुर्ग महिला इतनी मेरी तारीफ करिए, बेटा कि हमें आपसे उम्मीद है ही है, तो आप बताइए ये चीज करोड़ों रुपए में नहीं मिल सकती नहीं सर, जो आपको इज्जत दुनिया दे रही है और ऊपर वाले ने आपकी इज्जत के लिए फैसले किए हैं। तो आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है, वो चैन की नींद शायद ना सोने दे, जो लोगों की दुआएं और जो लोगों के का विश्वास पे आप खरा उतरते हो। तो आप ये बताओ, ऐसे ऐसे लोगों की जो उम्मीद मेरे से लगी हुई है, तो क्या मैं किसी काम में लापरवाही कर सकता हूँ? नहीं, कभी भी नहीं सर। क्या मैं, इतने लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इसमें एक तरह से मेरी भी तो रेपुटेशन का सवाल है। बिल्कुल सर, अगर गौर किया जाए, मेरी एज ए लॉयर, एज ए एक्टिविस्ट, एज ए लीगल स्टेपर, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग, मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जवाब देने की कि लोग मुझसे पूछ रहे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बिल्कुल सर, ये कहना, तो ये कहना जी कंप्लेंट नहीं दी गई, ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया, तो मुझे भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन गलत फहमियां हो सकती है, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता जो इस कोर्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, किसी मजहब के हैं, जो गुलाम हैदर के बच्चों को चाहते हैं कि वो उनको मिले, तो उनका हम सबको मिलकर इस्तकबाल करना है, उन सबका दिल से धन्यवाद करना है। देखो लीगल कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उनका खाली जुबान से बोल देना ही बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना कि कोई नेक, कोई एक हदीस है ना कि अगर तुम किसी गलत काम को होता हुआ देखो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत ये है कि तुम उसको रोक सकते हो, तो तुम ताकत से रोक दो। अगर तुम्हारे अंदर उस गलत काम को होता देख रहे हो, ताकत नहीं है रोकने की, तो तुम उसको जुबान से रोकने की कोशिश करो। बिल्कुल। और अगर तुम जुबान से भी उस गलत काम को रोकने की कैपेसिटी में नहीं हो, तो कम से कम सबसे कमजोर दिल वाला उस काम से ये कहकर कि यार बहुत गलत काम है, दिल में उसको गलत मानकर उससे दूर जा सकता है। तो बिल्कुल, तो अगर हम कोई नेक काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग नहीं ले सकते, कोई मजबूरी है, तो कम से कम हम उसको जुबान से ही कह देना एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल। अक्सर हम कहते हैं जी, गुलाम हैदर जो है अगर इस इम्तिहान में पड़ा है, तो वो एक दुनिया का शायद खुशकिस्मत इंसान वो भी है कि तमाम दुनिया के धर्म के जो लोग हैं वो इसके लिए दुआएं भी करते हैं, जस्तजू भी करते हैं, वो फिक्र भी करते हैं, परेशान भी होते हैं गुलाम हैदर के लिए। तो एक तरफ इम्तिहान है, दूसरी तरफ हजारों लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं उसके साथ हैं, तो इंशाल्लाह इंसाफ तो उसको मिलेगा, ये हमारी उम्मीद भी है, तवक्को भी है, और अल्लाह से दिल से दुआ भी है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मैं कहता हूँ इस बात को, बिल्कुल मिलेगा। और ये खाली मसला ये नहीं है कि किसी एक इंसान का जुड़ा हुआ है, हम सब जुड़े हुए हैं, पूरा देश जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, हमारी माताएं जुड़ी हुई हैं, हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इंसानियत को मानने वाले लोग, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का है, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। तो इतने लोगों की दुआएं देखिए ऊपर वाला भी सुनता है। बिल्कुल सर, और सुनेगा जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, दुआएं रादनी होंगी इंशाल्लाह। सर आप दोनों को मैंने थका दिया, तो आप दोनों आराम करें सर, रोजे की तैयारी करें, इंशाल्लाह फिर बात होगी सर। बहुत शुक्रिया सर, मैं तो बिल्कुल मोमिन मलिक साहब का, तो मैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट वर्क भी और सारा जिस तरह से बताया, तो इसलिए मैं कह रहा था शायद भाई मेरा तो नहीं है सर। जी 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 सर, तो जी थैंक यू, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया सर का। और जितनी देर हमने गुप्त को किए सर, कई ऐसे लोग हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर हम सवा घंटा बात कर चुके हैं, तो पहली जब हमने गुप्त को शुरू की तो तब से लोग जुड़े हुए हैं, तो लोगों की ख्वाहिश है, वो अच्छा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बहुत जल्द गुलाम हैदर का मसला हो। पारुल बहन आपका शुक्रिया, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, यही तो इस आगाज की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ये लोग देखने वाले, ये लोग सुनने वाले, ये आगे फैलाने वाले जो लोग हैं, यही लोग तो
इस जो आगाज हमने एक नए काम का आगाज किया है, एक नेक लड़ाई हम इंसानियत की लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देखने वाले लोग, ये शेयर करने वाले लोग, ये बात को आगे फैलाने वाले लोग, यही तो वो ताकत है हमारी। और इसी ताकत के बल पे जो है वो बच्चे आएंगे और वो गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा, इन्हीं लोगों के बल पे जो लोग आपको लिख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यही हमारी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हाफिज। रामेश साहब एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट।